हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल. सो हियर आई एम विद अ न्यू वीडियो. आज मैं मलाई से घी निकालने जा रही हूँ और ये आप इसका प्रोसेस देख रहे हो. ये मैंने अभी मक्खन जो मैंने तकरीबन 1-1.5 महीने से इकट्ठा किया था, वो मैंने फ्रिज में, मैं बहुत दिन से इकट्ठा कर रही थी मलाई. वो मैंने मलाई जो दूध के ऊपर आती है, वो मैं बहुत दिन से इकट्ठा कर रही थी. अब मैंने इसे कढ़ाई में हल्की, एकदम लो फ्लेम है, मैं आपको फ्लेम दिखा दे रही हूँ. ये फ्लेम है, इस फ्लेम पे मैंने एकदम लो फ्लेम पर रखा है ताकि एकदम लो फ्लेम पर ये जले ना. और मैंने पूरा जो मक्खन था वो मैंने, मतलब जो ऊपर की मलाई थी वो मैंने पूरा इसमें ट्रांसफ़र कर दिए और एकदम हल्की आंच कर दी. अब ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और आप देख सकते हो सब घी साइड साइड पर निकल रहा है. अभी पूरी तरह एक एक आध घंटे में अच्छा सी घी निकल जाएगा. उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगी, ये कैसे निकलता है, कैसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पक चुका है. तो आज हम सीख रहे हैं घर की मलाई से घी बनाना. इट्स वेरी इजी. कुछ लोग मथते हैं उसको, कुछ लोग मटका लेके बहुत कुछ उसमें प्रोसेस करते हैं, वो मुझे सही नहीं लगता, मुझे थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट लगता है. तो ये सबसे इजी प्रोसेस है, जो लोग नहीं जानते ये उनके लिए सबसे इजी प्रोसेस है कि सिर्फ आपको अपनी मलाई जो आप इकट्ठा किया है उसको आप अपना बस उस पर कढ़ाई पर रखने से पहले आधा घंटा एक घंटा बाहर निकाल के छोड़ दीजिए, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए. उसके बाद आप एक कढ़ाई थोड़ा सा बड़ा सा लेके उसमें हल्की आंच पर करके रख दीजिए. ये अपने आप बटर, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको हिलाना नहीं है, डुलाना नहीं है, कुछ भी इसको आप में ना डालना है. सिर्फ इसको आपको लो फ्लेम पर ऐसे 1-1.5 घंटे के लिए रख देना. तो अब आगे का स्टेप मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी, इसको पकते टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे देखते हैं. एंड गाइज, आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली इसमें डिजॉल्व हो रहा है मक्खन. अब नीचे से थोड़ा थोड़ा पकना भी स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे पकना स्टार्ट हो गया है. और घी यहाँ पे साइड साइड पे येलोइश येलोइश आपको दिख रहा है. इसमें बिल्कुल भी मैंने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट मैंने इसमें मलाई अपनी डाल दी है, रख दिया है, दैट्स इट. जो लोग इतना परेशान होते थे, उनके हाथों की एक्सरसाइज हो जाती थी, इतना मेहनत लगती थी एक घी निकालने में, वो इतना ईजिली भी निकल सकता है. तो प्लीज़ आप इसी मेथड से निकालिएगा, बहुत ही परफेक्ट घी निकलता है. मैं आपको दिखाती रहूँगी कि अब अगला प्रोसेस क्या है, कैसे क्या हो रहा है, कभी तैयार होती है. जैसे अभी देख सकते हो जब मैंने रखा था, और अभी देखिए साइड साइड पर निकलने लगा है. बट अभी ये सिर्फ, अभी इसको सिर्फ कुछ ही मिनट्स हुए हैं, तो हम इसे अभी और रखेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे भी दिखाऊँगी. एंड गाइस, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे एक कंप्लीट ऊपर लेयर बन गई है वाइट वाइट. अब इसको मुझे रख के तकरीबन आधा घंटा हो गया था. अब हम इसको थोड़ा चलाते हैं आधे घंटा बाद. ये देखिए नीचे भी घी है हल्का, लेकिन अभी ये पका नहीं, इसे काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो हम इसे अब और पकाएंगे. ठीक है, ये आप देख लीजिए पक रहा है, ऊपर इसकी लेयर आ रही है. अब मैं इसको आधा घंटा हो गया, अब इसे और भी टाइम लगने वाला है, आधा एक घंटा और लगेगा इसे पकते, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ. हियर इज़ द फाइनल व्यू. अब देख सकते हो आप साइड साइड से ही लगने लगा है, लेकिन बीच से एकदम ठीक है. ये साइड साइड से लगने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जल गई है, बस साइड साइड से लग गया है, तो इसका मतलब ये पक चुका है, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है. घी हमारा एकदम तैयार है. लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा मुझे लग गया है, 1.5 घंटे से थोड़ा 10-15 मिनट आगे हुआ है, वरना ही परफेक्टली बन गई है. साइड साइड से आप देख सकते हो, ये इसका इंडिकेशन है कि ये परफेक्टली तैयार है. आप इसको ठंडा होने के बाद छान के आराम से रख सकते हो, इसे यूज़ करो. और बीच में देखिए एकदम सही है, खालिस घी है, और साइड साइड पे इसका ये सिर्फ आपको ये बताता है कि ये पक चुकी है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. And thank you so much.